लाइव भारत माता की जय और विपिन रावत अमर रहे, ये दो नारे गूंज रहे हैं नई दिल्ली की सड़कों पर, जिन रास्तों से विपिन रावत का पार्थिव शरीर शमशान भूमि के लिए निकल रहा है। तीनों सेनाओं की टुकड़ी जो है वो इस काफिले में आगे चल रही है और उसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यहां से तकरीबन जिस जगह पर शमशान भूमि है दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में, आधे घंटे का रास्ता है आमतौर पर, लेकिन जो रफ्तार है लगभग आप अगर तीन मूर्ति वो जगह है जो हाइफा के युद्ध के नाम पर जिस तीन मूर्ति का नाम बदलकर हाइफा चौक कर दिया गया है। और मैं आपको नहीं है भाई, सफर में लगने वाले हैं और पूरे रास्ते में लोग जमा हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अपने सहयोगी निखिल के साथ। निखिल, तस्वीरें दिखाइए किस तरह से आखिरी विदाई जनरल विपिन रावत को दी जा रही है। उनके उनकी पत्नी मधुलिका रावत और जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकल चुका है राजकीय सम्मान के साथ और आम लोगों की श्रद्धांजलि के साथ। क्या आम क्या खास, सेना के इस बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, देश के पहले CDS को विदाई देने के लिए। आप देख सकते हैं आप कि गाड़ी अब आगे बढ़ रही है तो लोग दौड़ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं और नारे लगातार गूंज रहे हैं। और अब कामराज मार्ग से ये जो काफिला है ये 11 मूर्ति, तीन मूर्ति की तरफ बढ़ चुका है, तीन मूर्ति होते हुए 11 मूर्ति। और ये नारे आप सुनिए, भारत माता की। तो ये जो जो पुष्पांजलि दी जाएगी ये देख सकते हैं आप कि ये सारे फूल यहाँ रखे हुए हैं और उसके साथ जो अधिकारी चल रहे हैं। आप तस्वीरें सामने की दिखाइए निखिल जी, सामने की तस्वीरें दिखाइए। जो सेना के अधिकारी चल रहे हैं वो भारत पूरे काफिले की लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। निखिल आप आगे दिखाइए, आगे दिखाइए वो जो गार्ड लोग जो दौड़ रहे हैं, लोग जो जनरल साहब के पार्थिव शरीर के साथ दौड़ रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई है तो अब पैदल चलने वाले लोग जो है वो अब दौड़ने लगे हैं और कुछ इस अंदाज में जनरल CDS पहले CDS जनरल विपिन रावत को विदाई दी जा रही है। उनकी इस आखिरी यात्रा में उनको श्रद्धांजलि देने और इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए ABP न्यूज के कैमरे मौजूद हैं, हम मौजूद हैं। जो हम देख रहे हैं वो हम आपको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं और आंखों देखा हाल बता रहे हैं। तीन मूर्ति की तरफ, तीन मूर्ति गोल चक्कर की तरफ ये काफिला अब बढ़ चला है। सबसे आगे मैं आपको फिर से एक बार ये पूरा दृश्य बता दूं काफिले की। सबसे आगे मिलिट्री पुलिस का की एक जिप्सी चल रही है, उसके पीछे तीन मोटरसाइकिल पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान तीन मोटरसाइकिलों पर चल रहे हैं और उसके पीछे तीन ट्रकों पर तीनों सेना की टुकड़ियां बैठी हुई हैं और उसके पीछे एक फूलों से सजे हुए ट्रक में जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा है, जिस पर कि लगातार लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और ये जो विदाई की ये जो तस्वीरें हैं ये रोमांचित करने वाली है। कुछ देर के लिए ये काफिला रुका है, लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की आकस्मिक मौत हुई, हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी जान गई, उनके साथ उनकी पत्नी की भी जान गई, इसके अलावा कुल 13 लोगों की जान गई, 14 लोग सवार थे, 13 लोगों की जान गई, उनमें से 4 की पहचान जो है वो की जा चुकी है। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी, पार्थिव शरीर उनका अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली कैंटोनमेंट के शमशान भूमि ले जाया जा रहा है और उसके पहले सुबह ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार सुबह किया गया जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कल जब पार्थिव शरीर जनरल रावत का दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, इसके बाद रात एयरपोर्ट से जनरल साहब का पार्थिव शरीर दिल्ली कैंटोनमेंट के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया।
सुबह बेस हॉस्पिटल से कामराज मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर लाया गया, जहां तकरीबन 2 से 3 घंटे आम लोगों के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तमाम गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, आम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। वो नजारा देखते बन रहा था जब पूरी सड़क पर आम लोग भरे हुए थे खचाखच, और कुछ किलोमीटर तक लाइन लग गई थी, और अब वही लोग साथ में चल रहे हैं पार्थिव शरीर के। गन कैरेज में पार्थिव शरीर रखा गया है और उनके साथ आम लोग चल रहे हैं, और फौज की तीनों, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं की टुकड़ियां इस काफिले के साथ आगे बढ़ रही हैं। और निखिल जरा ये तस्वीर दिखाइए, ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं सड़क के दोनों तरफ विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, इस पूरे रास्ते में जगह जगह विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी की तस्वीर लगी हुई है, अमर रहें अमर रहें लिखे हुए हैं, और जो तस्वीर लगाई गई है वही नारे सड़क पर गूंज रहे हैं। तीन मूर्ति की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है, तीन मूर्ति से आगे 11 मूर्ति होते हुए धौला कुआं होते हुए दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में जो शमशान भूमि है, बरार स्क्वायर के नाम से वो जाना जाता है, वहां पर अंतिम संस्कार होना है जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का। अंतिम यात्रा जनरल विपिन रावत की आप देख रहे हैं तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। सेना की गाड़ियां काफिले के आगे और पीछे लगातार चल रही हैं। निखिल जरा पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए, ये जो काफिला चल रहा है अंतिम संस्कार में, जो काफिला है पीछे जो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां पीछे भी नजर आ रही हैं, फूलों से सजाई गई है, गाड़ियों को फूलों से सजाया गया है। और आप थोड़ा बैठ जाइए ताकि हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा सकें। ये देखिए फूलों से सजी हुई गाड़ियां हैं और उसके ऊपर जवान बैठे हुए हैं, उसके पीछे एक और ट्रक है जिसमें कि जो पुष्पांजलि दी जाती है, तमाम कई संख्या में पुष्पांजलि देने के लिए फूल वहां पर आखिरी वाले ट्रक में रखे हुए हैं, और लगातार नारे आम लोग तो लगा ही रहे हैं, जो सेना के जवान हैं वो लोग भी लगातार नारे लगा रहे हैं। निखिल मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर आप कैमरा जो है वो उस गाड़ी की तरफ घुमा दीजिए जिस गाड़ी में जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर जो है वो लेकर अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़ा है, और अभी उसके साथ में जो लोग दौड़ रहे हैं वो तस्वीरें भी दिखाइए। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनकी भावनाएं भी यही हैं जो उन लोगों की है जो इस गाड़ी के साथ चल रहे हैं। पूरा देश नम आंखों से अपने पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को अलविदा कह रहा है, उन्हें सलाम कर रहा है, उन्हें विदाई दे रहा है। विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी की भी दुखद मौत हुई, और विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में जो शमशान भूमि है उसमें किया जाएगा। ये काफिला अब पहुंच चुका है तीन मूर्ति गोल चक्कर पर, ये काफिला पहुंच चुका है। विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर अब तीन मूर्ति से आगे की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको ये काफिला नजर आएगा, और आप सड़क के दोनों तरफ देखिए आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दिखाई देंगे जो कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि विपिन रावत और उनकी पत्नी को अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए हाथों में आपको लोगों के पोस्टर भी नजर आएंगे, और साथ ही सेना की तीनों टुकड़ियां यहां पर नजर आएंगी आपको। देखिए थल सेना यहां पर अब आपको नेवी की टुकड़ी जा रही है जाते हुए नजर आएगी, और लगातार लोग नारेबाजी भी यहां पर कर रहे हैं। जो पोस्टर पर लिखा हुआ है कि विपिन रावत अमर रहे यही जबान पर लोगों के आपको सुनाई देगा, मधुलिका रावत अमर रहे। साथ ही वो बाकी वीर योद्धा जो शहीद हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे में, बेहद दुखद हादसा, उनके लिए लगातार अमर रहने की कामना हर किसी की जबान पर है। नम आंखों से पूरा देश आज उनको अंतिम विदाई दे रहा है, विदा कर रहा है। आप देखिए फूलों से सजा हुआ अब ये ट्रक तीन मूर्ति लेन के सामने से सड़क से गुजर रहा है। आपको विपिन रावत अमर रहे। विपिन रावत विपिन रावत उनकी पत्नी
प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सड़क के दोनों तरफ आगे से फिर सिविलियन को वहाँ, लेकिन वो उन्हें सलामी देती नजर आ रही है। देखिए कुछ युवा दौड़ रहे हैं, कौन घंटे पहले गुजरा रहे हो, तब मैं देखा था कि यहाँ पर ये लोग लग रहे हैं आप। और ये देखिए पहुंचने वाला है काफिला, और यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं देखिए, सहयोगी कैमरा पर्सन भूपेन रावत की मदद से हम जो दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये किस तरीके से ये जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त मैं ये भी कह सकता हूँ कि गाड़ियों की स्पीड भी ठीक ठाक है, 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। लेकिन आप ये देखिए जिस रास्ते से ये जो अंतिम यात्रा पर निकले हैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, वो जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस पूरे रास्ते पर लोग हाथों में तिरंगा लेकर के याद कर रहे हैं। कुछ लोगों की आंखें नम है तो कुछ उनको उनके शौर्य की बात कर रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए उनको याद कर रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये 3 मूर्ति से 11 मूर्ति की तरफ आने का रास्ता है। अमर रहे के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको 2 वाहन नजर आ रहे हैं, एक में जनरल बिपिन रावत और उसी के साथ में उनके पीछे पीछे उनकी अर्धांगनी जिन्होंने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, साथ फेरे लिए थे, मधुलिका रावत। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। परिवार के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा ही है, लेकिन देश के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति कही जा रही है। और समझा जा सकता है क्यों, क्योंकि देश का एक बड़ा योद्धा, एक ऐसा शख्स जिसकी यही पहचान रही है कि वो अपनी बातों में या अपने स्वभाव में जितना शालीन, वहीं अगर हम उनके जो है कर्मों की बात करें या उनके एक्शंस की बात करें तो वो उतने ही सख्त और कठोर, और यही उनकी खासियत थी। और इसका जो लोहा दुनिया भर मानती है, और चीन और पाकिस्तान तो बाकायदा उसका स्वाद तक चख चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर से अब ये जब ये अंतिम यात्रा पर गुजर रहे हैं जनरल बिपिन रावत, तो किस तरीके की तस्वीरें, लोग अपने हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वंदे मातरम के लगातार नारे लग रहे हैं। और ये जो जगह है ये 11 मूर्ति है, 11 मूर्ति जिसमें जहां पर जो सबसे पहली प्रतिमा है वो गांधी जी की है, उनके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर से अगर आप यहां से लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप धौला कुआं की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी जो अंतिम सफर पर निकल चुके हैं जनरल बिपिन रावत। और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी जनेंद्र कर रहे थे, विकास भदौरिया हमारे साथ में जो है लगातार जो साथ साथ चल रहे हैं, वो लोग जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि लोग दौड़ते हुए। और देखिए अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर से जैसे जैसे जो है लोग दौड़ रहे हैं, देखिए साथ में इन लोगों का ऐसा नहीं है कि जनरल बिपिन रावत से कोई नाता है, मधुलिका रावत से कोई नाता है, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ से लोग पुष्पांजलि कर रहे हैं, और पुष्पांजलि करने का जो बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा हो रही है और लोग दौड़ रहे हैं, आगे आगे जनरल साहब और पीछे पीछे उनकी भार्या, या ये कहा जाए कि उनकी अर्धांगनी मधुलिका रावत। और फिलहाल देखिए एक तेज गति से गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और लोग भी कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज की कोशिश ये है कि आपको सड़क से हर तस्वीर दिखा सके, और वही तस्वीर दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस वक्त अगर हम बात करें तो ये जो काफिला है ये धौला कुआं की तरफ आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ का आप तस्वीरें देखिए सहयोगी कैमरा पर्सन भूपेन रावत की मदद से कि यहाँ का ट्रैफिक रोका गया है, और जो भी लोग रुके हुए हैं वो भी जो जनरल साहब है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यहाँ पर से दूर से ही नमन कर है। जो जनरल बिपिन रावत का जो अंतिम यात्रा है उसका काफिला पहुँच चुका है, ये सीधे मदर टेरेसा क्रसेंट से धौला कुआं रोड पर सरदार पटेल मार्ग जिसको कहा जाता है, और देखिए लौह पुरुष सरदार पटेल ये उसी रास्ते से होता हुआ अब इस देश के वीर जवान सीरियस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा गन कैरेज पर उनको ले जाया जा रहा है यहाँ से। और ये काफिला धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ता हुआ धौला कुआं होते हुए नारायणा से कैंट के बरार स्क्वायर में बने कैंट इलाके में बने शमशान घाट तक जाएगा, जहाँ उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन देखिए 38 साल की अपनी पूरे सेवा में
जनरल रावत ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने हमेशा ये देखा कि देश और सेना कैसे मजबूत हो, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सेना का कैसे आधुनिकीकरण किया जाए, इसके लिए वे भी। और देखिए ये लोगों का उत्साह देखिए, यहाँ पर उनके भाव देखिए, आँखों में उनके वो नमी है जो एक वीर सैनिक के गुजर जाने के बाद आती है, और हाथों में वो गुलाब की नरम पंखुड़ियाँ उनके ऊपर, उनकी पार्थिव देह के ऊपर न्योछावर कर रहे हैं, अपनी भावनाएं वो लुटा रहे हैं। उनको पता है कि उन देश ने क्या खोया है, उनको पता है कि उन्होंने क्या खोया है। भले ही जनरल रावत का इन लोगों से सीधा कोई रिश्ता ना हो, भले ही जनरल रावत से ये लोग ना मिले हों, लेकिन एक देश के सैनिक के लिए, जो देश की रक्षा के लिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक अपने प्राण से, मन से, कर्म से, धर्म से जुटा रहा, और आखिरी में भी उसने अपनी सेना के लिए काम आते हुए प्राण भी दिए, ऐसे सैनिक की, ऐसे सेनानायक की, ऐसे जनरल बिपिन रावत के को श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग अपने घरों से आए हैं। ये लोग सड़क पर आके अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि जनरल बिपिन रावत के लिए लेके आए हैं। यहाँ से आसपास बड़ी तादाद में लोग, ये देखिए कतारबद्ध तरीके से ये लोग खड़े हैं, जिसके हाथ में पुष्प नहीं है वो हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में जनरल बिपिन रावत की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहा है, जिसके हाथ में पुष्प है वो अपनी पुष्पांजलि न्योछावर कर रहा है, और मुँह से तो नारे जरूर ही लगा रहे हैं। और देखिए एक महिला यहाँ खड़ी है, उनकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। ये देखिए ये महिलाएं खड़ी हैं, इनकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। ये जो मंजर है ये वाकई में हिला देने वाला है। ये लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जब यहाँ से पार्थिव देह गुजर रही है तो इन महिलाओं की आंखों में आंसू हैं, और ये आंसू वाकई में, ये देखिए यहाँ पर भी ये महिलाएं खड़ी हैं, इनकी ये भी रो रही हैं। और देखिए इनका कोई सीधा रिश्ता नहीं होगा जनरल रावत से, लेकिन आंखों में इनके आंसू ये बता रहे हैं कि इनको इस बात का एहसास है कि उस परिवार पर क्या बीत रही है जिसने जनरल रावत को खोया है, उस देश के लोगों पर क्या बीत रही है जिसने जनरल रावत को खोया है, उस सेना परिवार पर क्या बीत रही है जिसने जनरल रावत को खो दिया है। और देखिए लगातार जवानों के लिए, जवानों की बेहतरी के लिए, उनके शस्त्रों के लिए, उनकी वर्दी के लिए, उनके हाई एल्टीट्यूड पे काम आने वाले शूज के लिए लगातार जनरल रावत ने सेना के आधुनिकीकरण में बड़ा रोल प्ले किया। वो लगातार अपने आप को भी अपग्रेड करते रहे, अमेरिका से लेकर उन्होंने मीडिया स्टडीज तक में फेलोशिप की, और ये जानने समझने के लिए कि सेना के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है दुश्मन देश के द्वारा, वो समझने के लिए उन्होंने डॉक्टरेट की मीडिया। दिल्ली में हमने काम करने आए हैं, हम इलाज कराने आए थे, हम इलाज करवाने आए थे, आगे चलते रहिए मेरे साथ, आप चलते रहिए। हम यहाँ पर क्यों पहुँचे? हम सुने रावत जी का ऐसा हो गया और आज इनका पार्थिव शरीर जा रहा है, तो हम देखने के लिए आगे, मतलब इनसे मिलने, मरीज को छोड़कर यहाँ, मरीज को छोड़ के यहाँ आए सर जी। ये जो सम्मान है ये किसी भी प्रोटोकॉल से बड़ा है, ये किसी भी राजकीय सम्मान से बड़ा है। झारखंड का एक शख्स एम्स में किसी का इलाज करवाने के लिए दिल्ली में मौजूद है, लेकिन वो यहाँ पहुंचा है क्योंकि उसको मालूम चला कि इस रास्ते से होकर जनरल बिपिन रावत की आखिरी यात्रा निकलेगी। और ऐसे ही न जाने कितने लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, और अब ये काफिला धौला कुआं पहुंचने वाला है, और अब लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है, आम लोग खड़े हैं, मोबाइल में तस्वीरें, आखिरी पल की ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत, वो नाम जिससे देश के दुश्मन कांपते थे, चाहे वो दुश्मन पाकिस्तान में बैठा हो या चीन में, या फिर भारत के उत्तर पूर्व म्यांमार में घुसकर दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाना हो, या फिर पाकिस्तान में घुसकर नानी याद दिलाना। जनरल बिपिन रावत ने हर मोर्चे पर